एपीएमसी कळमना भाजी मंडई मधल्या ग्रीन प्रोडक्ट अडती असोसिएशनने निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत शरद सरोदे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली आणि नवीन कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली. आज ग्रीन प्रोडक्ट असोसिएशन अड़तिया एसोसिएशन का आज जो एक अड़तिया बंधु ने आज जो एक चुनाव लिया था अध्यक्ष के रूप में, आज उनके उन्होंने चुनाव लेके अध्यक्ष के रूप में अपने को चुना गया और यहाँ पे नई कार्यकारिणी घोषित की गई ग्रीन प्रोडक्ट एसोसिएशन की. और ये कार्यकारिणी माननीय बाजार समिति के सचिव साहब, माननीय सभापति अहमद बाबू शेख, इनके समस्त रखी गई और इन्होंने शुभेच्छा देते हुए आगे के लिए शुभेच्छा दी. और जो हमारी मांगे थी, जो एसोसिएशन की मांगे थी कि यहाँ पे ये जो पीछे का गेट है ये खुलना चाहिए और यहाँ से व्यापार होना चाहिए, कई किसानों का माल यहाँ तक पहुँचता नहीं है समय पे, तो भाव नहीं मिल पाता, उनका माल रुक जाता है, सड़ जाता है, पैसा नहीं मिलता है किसानों को, ऐसी अनेक सी समस्या है, जो गाड़ी समय पे पहुंच नहीं पाती, गर्दी है, तो वो सब उनको अवगत कराया गया और सब समस्या से सभापति को भी अवगत कराया, सचिव को भी अवगत कराया. तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द हम पीछे का काम चालू कर रहे हैं, पीछे से गेट खोलने की ये कर रहे हैं. एसोसिएशन का सलाहकार हूँ, मेरा नाम रमेश राउत है, साथ में हमारे भाई जीवन जी धारकर है. ये सब्जी मंडी के ये जो 5 नंबर खल्ले की जो समस्या है, ये समस्या के बारे में सचिव सभापति से कई बार हमने निवेदन किया है कि ये गेट 5 नंबर का जो गेट है, इधर का गेट खोल दो. जैसा कि कोरोना काल में ये गेट खुलने से बहुत बड़ा व्यापार हुआ यहाँ पे, और अभी उन्होंने बोला है कि हम 15 दिन में महीने भर में खोलते हैं. आज हमने उनको एक डेपुटेशन दिया था माननीय शरद जी सरोदे अध्यक्षता में, और उन्होंने कबूल किया है कि भाई 2-4-8-15 दिन में हम ये कार्रवाई करते करके, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे को आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके वजह से सब्जी मंडी में किसान को, व्यापारी, आड़तिया और सभी लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, नुकसान हो रहा है. काश्तकार को भी बहुत अपना माल यानी कम रेट में बेचना पड़ रहा है. इधर से अगर जगह खुली हो जाती है तो सबका सुविधाजनक कार्य हो सकता है, सबकी गाड़ियाँ समस्या हल हो सकती है. ये इसी निवेदन का हमने माननीय सभापति और सचिव को दिया है, वो इस पे गौर करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है.